फर्स्ट आज हम देखते हैं कैसे निकाले, अगर ये स्टक हो गया है हेड अंदर तो हेड को कैसे निकाले एक लेगो का, लेगो फिगर का। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये बैलून का ऊपरी हिस्सा, जिसके अंदर ये है एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये है छेद हो रखा है, नीचे भी छेद हो रखे हैं क्योंकि हमने काटा है, तो ये बहुत परफेक्शन से काटना है आपको। आपको मैं क्लोजअप दिखा देती हूँ, ये देखिए एक्चुअली वेस्ट मटेरियल से। उसके बाद क्या करेंगे हम कि हम इसके पैरों में ये डालेंगे, उसके बाद हम इसके पैरों में ये वाला डालेंगे। चलिए डालते हैं इसके पैरों में, मैं आपको दिखाती भी रहती हूँ। ये देखिए, चलिए इसके पैरों में डालते हैं, हमने डाल दिया है ये देखिए। इसके हम और अंदर डालेंगे इसके, क्योंकि इसके पैर बाहर आ जाएंगे वाले। आप अपने मुंह से दूर रखिएगा क्योंकि एकदम एकदम झटके से स्टक आउट होता है। उसके बाद हम इसके जो ये वाला ऊपरी हिस्सा जो हमने कर दिया, तो हम इसके गले में बांध देंगे। चलिए इसके गले में बांधते हैं। और ये देखिए, और एकदम एकदम हेड इसका स्टक आउट हो चुका है। और ये किसी भी टेक्निक पे चलता है, किसी भी हार्ड से हार्डेस्ट हेड पे चल जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल आपके सामने ये रहा हेड, अब आप उसको देख सकते हैं कि ये हेड है। चलिए एक और बार मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपको समझ आ जाए। इस बार आपको मैं इंस्ट्रक्शंस देती रहूँगी। हम फिर से ये बैलून निकाल देते हैं कि आपको पता लग जाए। ओ माय गॉश, पैंट भी निकाल दी। चलिए तो अब हम इसकी पैंट फिर से जोड़ते हैं। ये देखिए, तो ये हमारी मिनी फिगर। और मानिए कि इसकी गर्दन बिल्कुल स्टक है, देखिए मैंने दबा दिया, इसकी गर्दन में कोई गैप नहीं बचा है। देखिए कि आप सोच रहे हैं कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, तो नहीं जी, हम बिल्कुल चीटिंग नहीं कर रहे हैं। आप देखिए अभी हम मैंने इसकी हेड बहुत प्रेस भी कर दिया है और मेरी उंगली पर निशान भी पड़ गया है। चलिए तो अब देखते हैं। सबसे पहले हम इसके फिर से पैर बैलून के अंदर डाल देंगे ऐसे, इसका ऐसे उसके जहाँ पे छेद था वो वाले हिस्से में। फिर हम इसके पैर नीचे की तरफ निकाल देंगे मिनी फिगर के। वो आपकी मर्जी कि आप किसी भी तरफ डाल सकते हैं, लेकिन मेन जो छेद वाली तरफ डालना चाहिए, तभी एकदम झटके से मुंडी निकलती है, बिकॉज दैट इज द स्पेस वेयर हेड कम्स आउट। क्योंकि जो बैलून है वो एकदम झटके से इसकी हेड ऐसे रिलीज करता है एयर प्रेशर की वजह से। चलिए तो अब हम बहुत ज़्यादा टाइम्स या फिर 5 times लपेट देंगे, 3 times भी बहुत है। ये देखिए अब इसकी मुंडी धीरे धीरे लूज हो रही है। मैं अपना हाथ हटा लेती हूँ कि ये लग जाए कि हाँ कि मैंने चीटिंग नहीं करी। एक और बार बांधना पड़ेगा मेरे को। चलिए मैं बांधती हूँ एक और बार। एक और बार बांधना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ब्लास्ट। ये थी बहुत खतरनाक ट्रिक। और ये हमारा हेड वापस मिल गया हमें, ये उछल के बहुत दूर चला गया था। चलिए मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ ये ट्रिक। मैं इसलिए कह रही थी कि एक्चुअली जो इसकी जब इसका हेड उड़ के गया, वो आपने देखा नहीं, एकदम इसका एकदम झटके से उड़ के गया। तो अब मैं आपको धीरे से दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसका जो लेग्स हैं, सबसे पहले हम इसकी हेड स्टक करेंगे। उसके बाद ये जो लेग्स हैं, देखिए मैंने बिल्कुल दबा चुका है, देखिए मैंने बिल्कुल दबा चुका है, तो ये अब नहीं निकलेगा। देखो आपको गैप भी पता लग रहा होगा कि है कि नहीं, वैसे नहीं है, ठीक है। देन हम इसके लेग्स में ये डालेंगे। डालने के बाद ये कुछ ऐसे लेग्स दिखेंगे, आपको हंसी आएगी थोड़ी, लेकिन ये आपके भले के लिए है। उसके बाद हमने इसकी मुंडी टाइट कर दी थोड़ी। फिर हम यही बैलून का पीस उठाएंगे जो ऊपरी हिस्सा है, और हम थोड़ी मुंडी दबाए रखेंगे, क्योंकि अगर हमने एकदम छोड़ दी तो एकदम उड़ के जाएंगे एंड इट विल ब्लास्ट।
ने बांध दी। अब धीरे से हम इसको खींचेंगे, तो हम इसको ऐसे ऐसे पकड़ के, ओ माय गॉश, हम इसको ऐसे पकड़ के और ऊपर खींचेंगे, और देखिए हम द हेड स्टक आउट। उसके बाद हम ये बैलून का जो वेस्ट पीस है इसे हम निकाल भी सकते हैं एंड फेंक भी सकते हैं, क्योंकि ये तो वेस्ट बैलून से हुआ है। और देखिए नो लेगो डैमेज, लेगो बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है, इसकी ना अंदर से कुछ पार्ट रहा है, ये देखिए। तो ये ट्रिक ज़रूर कीजिएगा और मेरे को बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल के, और इस वीडियो को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नीचे एक लाल बटन दिया होगा जिसके ऊपर लिखा है SUBSCRIBE सब्सक्राइब, तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर उसके बाद एक बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसे दबा दीजिएगा, उससे जो मेरी वीडियोस रोज़ रिलीज होंगी वो आप सबसे पहले देख सकते हैं और उसे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।